शॉपिफाई मेटाफिल्ड का ये फीचर बहुत ही यूज़फुल है बट उतना ही अंडररेटेड भी है। काफ़ी सारे शॉपिफाई स्टोर ओनर्स को के बारे में पता या जानकारी ना होने की वजह से वह इसे अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना बहुत ज़रूरी होता है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके स्टोर सेल्स पे पड़ता है। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो इमेज फॉर्मेट में डिस्प्ले करी जाए तो जल्दी अटेंशन ग्रैब करती है, जैसे ऑथराइज्ड डीलर सर्टिफिकेट, इंग्रेडिएंट चार्ट, एनी काइंड ऑफ लाइसेंस, वॉश केयर, एनी अदर प्रोसेस। मुझे लगता है इतने एग्जांपल के साथ आप समझ गए होंगे। बाकी सभी अपने आइडियाज़ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप इस फीचर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप अपनी कस्टम इन्फो इमेज मेटाफील्ड फाइल टाइप यूज़ करके प्रोडक्ट पेज पर डायनेमिकली डिस्प्ले कर सकते हैं। गाइस, ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो लाइक कर दीजिए, लाइक तो सभी कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कर दीजिए। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड पे आ जाना है और उसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग का बटन है इसको आपको क्लिक करना है, क्योंकि सबसे पहले हम मेटाफील्ड ही क्रिएट करेंगे। तो आपको सेटिंग में आ जाना है, और सेटिंग में आने के बाद आपको कुछ इस तरह का विंडो नज़र आएगी और यहाँ पर आपने मेटाफील्ड सर्च करना है। देखिएगा ये मेटाफील्ड है, इसको क्लिक कर दीजिए। मेटाफील्ड में आने के बाद आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे, प्रोडक्ट पर क्लिक कर दीजिए। और प्रोडक्ट पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऐड डेफिनेशन करना है, और उसके बाद आप अपने जो मेटा फील्ड है उसका नाम दे दीजिए। मैं यहाँ पे सिंपल नेम दे देता हूँ, सर्टिफिकेट, तो हमारे को आसानी हो। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं जो आपको आपके जो वर्क है उससे रिलेट करता हो, ठीक है गाइस। और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, कुछ भी, कि मैं आपको दिखाऊँगा कहाँ पर नज़र आती है। ये मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया है, इसको यहाँ चेकबॉक्स को ऑन कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे जो सिलेक्ट कंटेंट है इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से हम फाइल चूज़ करेंगे गाइस, सेलेक्ट करेंगे। और सिंगल लाइन मल्टी लाइन के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको मेटाफील्ड के बारे में और ज़्यादा जानना है तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और इनका यूज़ सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आप मेटाफील्ड को फाइल को क्लिक करिए, फाइल में जो प्री सिलेक्ट है वन फाइल उसको क्लिक रहने दीजिए। के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट जो स्पेसिफिकेशन है, यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप जो फाइल है उसको यहाँ पे क्लिक रहने दीजिए, दोनों को यहाँ पे इमेज और वीडियो को क्लिक रहने दीजिए, और यहाँ पे सेव का बटन दबा दीजिए। तो गाइस, ये हमारी जो मेटा फील्ड है वो क्रिएट हो चुकी है, यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। बट उससे पहले आप क्या करिए कि ये जो एड्रेस आया है हमारे पास इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करिए और क्लिक करके रखिए। अगर क्लिक छोड़ देंगे गाइस तो ये इसको नेक्स्ट विंडो पर ले जाएगा। क्लिक करके रखिए, कंट्रोल सी करके इसको कॉपी कर लीजिए और इसको यहाँ से क्रॉस कर दीजिए। जो आपने कॉपी किया है उसको आप अपने नोटपैड पे पेस्ट भी कर सकते हैं या आप बाद में भी उसको पेस्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर अपने जो ऑनलाइन स्टोर है उस पर क्लिक करेंगे और थीम्स पर चले जाएँगे। यहाँ जाने के बाद गाइज हमारे को दो काम है, एक एडिट कोड में भी एक कस्टमाइजेशन में भी। पहले हम जो कस्टमाइजेशन है उसमें काम कर लेते हैं, अपना कस्टमाइजेशन को बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम प्रोडक्ट पे चले जाएंगे, डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट, ठीक है गाइज। तो ये हमारा प्रोडक्ट पेज आ गया है, और से यहाँ पे हम एक ब्लॉक लेंगे, यहाँ पे ऐड ब्लॉक करेंगे और यहाँ पे कस्टम लिक्विड का एक ब्लॉक ले लेंगे। कईयों के जो थीम्स है उसमें HTML भी होता है या कस्टम HTML भी होता है, वो भी गाइस सेम होता है कस्टम लिक्विड के। तो आप अगर आपकी थीम में वो ऐसा लिखा हुआ तो आप वो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ कस्टम लिक्विड को यहाँ जब हम ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे गाइस देखिए ये मैंने फाइल बनाई हुई है और कुछ कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस कोड को हमने यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके, और यहाँ पे आके हम इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है गाइस। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है गाइस, आपको याद होगा कि जो हमने मेटाफील्ड का जो एड्रेस था वो हमने कॉपी किया था, वो हमारे को यहाँ पे रिप्लेस करना होगा, ठीक है, वन टाइम हमारे को रिप्लेस करना होगा ताकि वाली मेटाफील्ड का डेटा हमें नज़र आए। इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ठीक है गाइस।
और उसको पेस्ट कहाँ करना है वो बड़ा ध्यान से देखिएगा। इस यहाँ प्रोडक्ट से लेकर आपको यहाँ तक, मतलब इस बार से पीछे और प्रोडक्ट से लेकर यहाँ तक, ये वाला पूरा कोड यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो देखिए गाइस जो ये वाला हमारा एड्रेस था वो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। तो बस उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद गाइस यहाँ से हम एग्ज़िट आ जाएंगे और यहीं से हम एडिट कोड में चले जाते हैं। एडिट कोड में आने के बाद गाइस, जैसे कि मैं तो ये डॉन थीम यूज़ कर रहा हूँ एग्जांपल के लिए, तो आपकी जौन सी भी थीम होगी तो वहाँ पे आपको CSS जो आपकी थीम होती है वो आपने ढूंढनी है। तो आप यहाँ पे सर्च सर्च फाइल में CSS करेंगे तो आपको आपकी फ़ाइल जो CSS की फ़ाइल है वो असेट फोल्डर में नज़र आ जाएगी। प्रोबेबली वो फर्स्ट फाइल ही होगी। कईयों में जैसे यहाँ पे base.css दिया हुआ, कईयों में theme.css दिया होता, मोस्टली जो आपकी Shopify थीम्स है उसमें यहाँ पे themes.css दिया होगा, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। थीम फाइल है वो मैं सिलेक्ट करूँगा जो प्रोडक्ट पेज पे हमारी अप्लाई हुई वाली थीम, तो इसके लिए उन्होंने अलग फाइल बनाई हुई है तो मैं उसी का यूज़ करूँगा। ओके गाइज, अब मैं जो मेरी थीम की प्रोडक्ट पेज की CSS फाइल है मैं उसमें चला जाऊँगा। जैसे कि यहाँ सेक्शन मेन प्रोडक्ट CSS है, मैं उस पर क्लिक करूँगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि यही फाइल आपने ढूंढनी है, आप theme.css पे ढूंढिए और वहाँ पे भी आप अपना ये वाला कोड जो है पेस्ट कर सकते हैं। सबसे लास्ट में आ जाऊँगा, सबसे लास्ट में क्लिक करूँगा और अपना कोड यहाँ से जो है कोड इसको दोबारा कॉपी करूँगा कंट्रोल सी करके, और वापस आके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और यहाँ से फाइल को सेव कर देना है। ठीक है गाइस, इतना हमारा सिंपल काम हो चुका है। ठीक है, अब अभी भी जो हम प्रोडक्ट देखेंगे अपना, तो वहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा होगा किसी भी प्रोडक्ट पे, क्योंकि हमने अभी जो मेटाफील्ड का डेटा है यानी कि इमेज है वो सिलेक्ट करी नहीं है। तो वो देख लेते हैं किस तरह से होगी वो। उसके बाद हमने क्या करना है कि अपने जो प्रोडक्ट सेक्शन है वहाँ पे आना है, और यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे। तो जैसे कि हमने एग्जांपल के लिए हर बारी हम एक कैप का ये लेते हैं, तो प्रोडक्ट इसको ओपन कर लेते हैं। तो लास्ट में आने के बाद आपको जो जो मेटा फील्ड्स हमने क्रिएट करी वो आपको दिखेगी। जैसे कि यहाँ पहले भी मैंने एक मेटा फील्ड क्रिएट करी हुई है सेम इमेज की, तो उसको अभी हम नेगलेक्ट करेंगे। अभी जो हमने सर्टिफिकेट की बनाई है मेटा फील्ड, उसको चेक करेंगे कि उसमें हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन नज़र आएगा, और यहाँ पे देखिएगा इस यूज़ इमेज ओनली, जो हम मैं बता रहा था आपको डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी एक याददाश्त के लिए, या आपके जो कलीग आपके साथ वर्क करते हैं या आपके वर्कर जो आपके साथ वर्क करते हैं उनकी पहचान के लिए कि यहाँ पे आपको किस तरह की फ़ाइल सेलेक्ट करनी है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप सिलेक्ट फाइल करेंगे तो जो तो आपके स्टोर पर पहले की फाइल्स होगी तो वो तो आपको यहाँ नज़र आ जाएगी, जो नहीं होगी तो आप यहाँ से उसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, यानी कि अपने कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हैं। मैं एक फ़ोटो यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। तो गाइस देखिए, ये मैंने एक आपका ऑथराइज सर्टिफिकेट एग्जांपल के रूप में अपलोड कर दिया है, तो उसको यहाँ से हम डन कर देते हैं। राइट गाइस, तो ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेव हो चुका है। अब आपको ऑनलाइन स्टोर में जाके थीम्स पे जाना है और यहाँ से कस्टमाइजेशन पे जाना है। तो बाद अगेन वही प्रोडक्ट, डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट, क्योंकि इसी प्रोडक्ट पे गाइज हमने अपनी इमेज अपलोड करी है मेटाफील्ड में, तो यहीं पे वो हमें नज़र आएगी। तो जैसे कि हमने कस्टम लिक्विड बनाया था और उसमें ये वाला कोड अपना फिल किया था, तो देख लेते हैं अभी किस तरह से हमें नज़र आ रहा होगा। तो पहला तो ये बनाया था मैंने, तो उसको ऑफ कर देते हैं। ये देखिए गाइज, जो हमने सेकंड बनाया हुआ है, देखिए इसको मैं ऑफ करता हूँ तो ये चला जाएगा यहाँ से, ऑन कर देंगे तो ये दिखने लग शुरू हो जाएगा। तो गाइज़ ये जो हमने सर्टिफिकेट बनाया है, तो इस तरह से आपका इसी प्रोडक्ट के ऊपर ये वाला सर्टिफिकेट नज़र आएगा। ठीक है, और यहाँ से आप इसको सेव कर दीजिए। अपने हिसाब से आप इसको अप डाउन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे हमने इसको ऊपर ले जाएंगे यहाँ से, तो ये वाला मूव होके यहाँ से आपको यहाँ ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएगा। यहाँ से सेव कर देंगे अगेन, तो अपने हिसाब से आप इसको जहाँ चाहे वहाँ पे इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है आपने सर्टिफिकेट ऑथराइज डीलर का ही दिखाना है, ये तो मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया था, पहले भी आपको बताया आप इस पर कुछ और भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं।
तो इसमें गाइस जो सबसे मेन बात होती है वो ये कि काफ़ी लोग जो दूसरे लोग इसको बनाते हैं उनका जो मेटाफील्ड है वो दूसरी जो प्रोडक्ट्स है वहाँ पे भी शो करता रहता है, बट हमारा जो हमने कोड बनाया है उसमें ही शो नहीं करेगा। इसमें सिर्फ जिस प्रोडक्ट पे आपने अपलोड किया है, जैसे हमने कैप वाले प्रोडक्ट पे अपलोड किया, सिर्फ यही दिखाएगा, बाकी के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उस पर नहीं दिखाएगा। तो एक बार ही चेक कर लेते हैं, जैसे ये हमारा प्रोडक्ट था तो देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है जो हमने ऑफ कर दिया था, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ से जा चुका है, तो ये वाला हमारा विजिबल हो चुका है यहाँ से। अब किसी और प्रोडक्ट पे चेक कर लेते हैं एक बारी, और इस पे चेक करते हैं, तो आप देखेंगे कि इस पे वो सर्टिफिकेट नज़र नहीं आ रहा है। इन्फो इमेजेस है वो आपको डायनेमिकली नज़र आएगा, जिस प्रोडक्ट पे आपको ज़रूरत है वहाँ पे आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ पे आप रहने दीजिए, तो यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आएगा। यही इसका सबसे बड़ा फीचर भी है। और गाइज अगर आप मेटाफील्ड के और फीचर्स को यूज़ करना चाहते हैं तो एक और डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, इस वीडियो के बाद आप वो भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप अपना शॉपिफाई स्टोर बिल्ड करवाना चाहते हैं या फेसबुक एड्स रन करवाना चाहते हैं तो मुझे DM या व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब बता देता हूँ ये मेटाफील्ड सोर्स कोड फाइल किस तरह से आप ले सकते हैं। गाइस फाइल रिसीव करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहेंगे, उन स्टेप्स को फॉलो करें जिससे आप फाइल रिसीव कर पाएंगे।